10,94,000 सिक्के लेकर बकाया बिजली बिल जमा करने बिजली दफ्तर पहुंचे चिलर प्लांट मैनेजर और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच जमकर हुई नोकझोंक। बैंक का हवाला देकर विभागीय अधिकारियों ने चिलर प्लांट के मैनेजर को बिजली विभाग के बकाया बिल को सिक्के के रूप में जमा न किए जाने को लेकर लिखित में किया मना। जी हाँ, आपको बता दें, मामला हाथरस जिले के ओणपुरा बिजली घर का है। यहाँ शहर मेंढू रोड स्थित गांव रतनगढ़ी के पास नामी नजर्स रामवती चिल्लर एंड आइस प्लांट पर के ऊपर बिजली विभाग का करीब 12,94,000 रुपए बिल बकाया था। इसकी वजह से बिजली विभाग के अधिकारी बार बार चिल्लर प्लांट के विद्युत कनेक्शन को काटने की बोल रहे थे शनिवार को चिलर प्लांट मैनेजर कपिल पाठक RBI से जारी व चलन में रहने वाले 10,94,000 के सिक्के लेकर बकाया बिल को जमा करने के लिए बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने बैंक का हवाला देते हुए 10,94,000 के सिक्कों को लेने से साफ इनकार कर दिया। कपिल ने बताया कि उन्होंने लिखित में अधिशासी अभियंता को सिक्के स्वीकार न किए जाने से अवगत कराया तो उन्होंने लिखित में सिक्के स्वीकार करने से इनकार किया है। क्या नाम है आपका? कपिल पाठक नाम है सर मेरा। ये जो बिजली विभाग में सिक्के से बिल जमा करने को लेकर जो हंग मतलब नोकझोंक हुई है, क्या कुछ मामला रहा है इस बात को लेकर? सर, मैं रामवती चिलिंग एंड आइस प्लांट रतनगढ़ी मेंढू रोड स्थित चिलर प्लांट का मैनेजर हूँ। मेरे द्वारा पिछले कई महीने से बिजली विभाग का बिल जमा करने के लिए प्रयासरत हूँ। मैं जब बिल जमा करने के लिए विभाग में जाता हूँ तो सर कागज के पैसे जमा कर लिए जाते हैं और सिक्के वापस कर दिए जाते हैं। मैंने जब उनसे कहा कि ये सिक्के चलन में हैं, इन्हें जमा करिए आप, तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। जब मैंने उच्च अधिकारियों से मिलकर एप्लीकेशन दी लिखित में कि मेरे सिक्कों को क्यों जमा नहीं किया जा रहा है, मैंने उन्हें रिजर्व बैंक की गाइडलाइन भी दिखाई तो उन्होंने साफ तौर से लिखित में मना किया कि हम सिक्के नहीं लेंगे क्योंकि बैंक सिक्के नहीं लेती है। कितने रुपए का बिल जमा करने के थे आप सिक्कों में? सर, 10,94,000 रुपए का बिल मेरे ऊपर बकाया है, वो इन सिक्कों के ही कारण है। मैं हर महीने बिल जमा करता हूँ, जो कागज के होते हैं वो जमा कर लेते हैं, बाकी मेरे ऊपर सिक्के बिल लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। तो अभी आप कितने रुपए लेके पहुंचे थे सिक्कों में? मैं 10,94,000 रुपए लेके पहुंचा था सर, जिन्हें लेने से मना कर दिया। जो कई महीने से मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, मैं उनका क्या करूं? अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर, मैं उन्हें नोटिस जारी कर रहा हूं और जो विधिक कार्रवाई होगी कानून प्रक्रिया वो अपनाऊंगा। और ये भारतीय मुद्रा का अपमान है सर, मेरी तरह कुछ और लोग भी प्रताड़ित हैं। मैं सरकार से यही आशा करता हूं कि हर विभाग को एक गाइडलाइन दी जाए जिससे भारतीय मुद्रा के ऐसे कई अपमान न हो।